नमस्कार बच्चों, मैं रीना सिंह। आज हम कक्षा 9वीं की फुल हिंदी यानी कि एंटायर की क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 20 मार्क्स का है, और इसके आंसर हमें कैसे लिखने हैं और हमें कैसे मार्क्स मिलेंगे, आज मैं आपको यहाँ पर वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है जो कि यूनिट टेस्ट का है, जिसमें आपको तीन पैराग्राफ पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो दो लेसन सेक्शन के हैं और एक पोयम सेक्शन। सो सबसे पहला आपका प्रश्न है, गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, जो हमने पूछा है आपको 8 अंक के लिए। सो सबसे पहले आपके लेसन से रिलेटेड एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ को पढ़कर हमें आंसर ढूंढना होगा। सो यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसे मैं पढ़कर सुना रही हूँ, फिर इसके प्रश्न और इसके उत्तर कैसे फिल करने हैं मैं आपको वो बताऊंगी। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। वो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए, उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है, बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ रहा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी और कुछ मस्करा भी है, वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए, उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था, एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे, पहले इसे जी भर के मरम्मत करेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्ची उठा लिए जाए, 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। अरे देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं, आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। यह है आपका पैसेज जो कि बिल्ली का बिलंगुड़ा का है। हमेशा हमें कभी भी जब भी आपको प्रश्न के उत्तर ढूंढने हैं, बहुत जरूरी होता है कि एक बार आप पैसेज पढ़ लें और उसके बाद कौन सा प्रश्न है, जब आप वो पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि आपने ये इसका आंसर कौन सी लाइन में पढ़ा था। सो पहला प्रश्न है कहानी के प्रमुख पात्र, इसका आंसर हम आंसर शीट में देखेंगे जो कि 2 अंक के लिए पूछा गया है। उसके बाद समझ कर लिखना है अमरू के स्वभाव की विशेषता, 2 विशेषता लिखनी है जो कि आपको 1 अंक के लिए है। एक एक शब्द में उत्तर लिखना है, यहाँ भी आपको 2 प्रश्न दिए हैं, एक एक शब्द में लिखना है, सो हाफ ऑफ मार्क में आपको मिल जाएगा। ग्रामर में वचन परिवर्तन करना है और मानक वर्तनीय के अनुसार लिखना है, यानी कि सही शब्द लिखना है। और दूसरा है आपका स्वमत, यानी कि मूक जानवरों की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, इस पर आपके विचार लिखने हैं आपको। सो आप क्या सोचते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए हम आंसर शीट पे चलते हैं। ये है हमारा आंसर पेपर, जब भी आप आंसर पेपर चेक करेंगे तो यही सारे शब्द होने चाहिए और ये सारे के सारे शब्द पैसेज में ही मिल जाते हैं। तो चलिए
सबसे पहला प्रश्न था आप लोगों का कि कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है। सो यहाँ पर कहानी के मुख्य पात्र हैं लेखक, नौकर जिसका नाम अमरू था, बिल्ली और थानेदार। अगर आपने यही चार आंसर लिखे हैं तो ये राइट होगा और यहाँ पर आपको पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। अगर आप में आपने इनमें से कोई भी आंसर नहीं लिखा है या गलत लिखा है या स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपका 1.5 ही मार्क्स होगा। अगर आपने 1 सही लिखा है तो हाफ, 2 सही लिखा है तो 1 मार्क, 3 सही लिखा है तो 1.5, और अगर 4 सही है तो यहाँ पर आप अपने आप को 2 अंक दे देंगे। उसके बाद है समझकर लिखना था। तो समझकर लिखने के लिए आपको पहला यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि अमरू के स्वभाव की विशेषता, यानी कि अमरू का जो स्वभाव था उसकी खासियत क्या थी। तो यहाँ पर एक ही शब्द में आंसर है। पहला तो वो अल्पभाषी यानी कि कम बोलता था, और दूसरा वह थोड़ा सा मस्करा था। जब ये दोनों आंसर राइट होगा सो यहाँ पर आपको पूरे 1 अंक मिल जाएंगे। अगर आपने 1 ही राइट किया है सो आपको आधा अंक मिलेगा, और अगर दोनों सही है तो ही 1 अंक आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, एक एक शब्द में उत्तर लिखना था। भीड़ ने अमरू पर यह चुराने का आरोप लगाया। जाहिर सी बात है, बोरी में बच्चा है, लोगों को यह शक था तो बच्चा चुराने का आरोप लगा। यहाँ से कई बच्चे उठाए जा चुके हैं, एक ने डायलॉग किया था कि देवनगर से कई बच्चे चुराए जा चुके हैं। सो यहाँ पर बच्चा और देवनगर आंसर है। जब आपने यही 2 शब्द लिखा होगा तो यहाँ पर आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ से इन दोनों में से कोई भी गलत लिखा है सो आधा अंक ही आपको मिलेगा। अब आते हैं व्याकरण में। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए, यानी कि आपको वचन बदलना है। ऑलवेज रिमेम्बर, क्वेश्चन जब लिखते हैं ग्रामर में जब भी आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन विद आंसर होना चाहिए। खाली आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलता है, इवन वो हाफ मार्क हो जाता है। सो अगर आपको यहाँ पूरे 1 मार्क चाहिए सो आपको आदमियों और आदमी इस तरीके से लिखना होगा। सो अगर आपने आदमियों का आदमी लिखा है तो आधा अंक, बच्चा का बच्चे लिखा है तो आधा अंक। तो ये अगर सही होगा तो यहाँ आपको मिलेगा पूरा 1 अंक। मानक वर्तनीय के अनुसार लिखना है। यहाँ पर अंदर में आधा न था क्वेश्चन में, तो हमें आधा न हटा के बस डॉट लगाना था जो कि यहाँ पर है, और यहाँ भी सुंदर में आधा न हटा के हमें डॉट लगाना था। तो अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो दोनों में आपको आधा आधा अंक मिलेगा, अंदर के अंदर आधा और सुंदर पे आधा अंक। सो यहाँ पर आपका अंक हो जाएगा फुल 1 मार्क। याद रखिएगा, अगर आपने बिल्कुल ऐसा ही आंसर लिखा है तो ही आपको पूरे अंक मिलेंगे, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो भी आपके मार्क्स यहाँ पर कटेंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है स्वमत, पर्सनल रिस्पॉन्स। आपका स्वमत था कि मुक जानवर यानी कि जो जानवर बोल नहीं सकते हैं उनकी हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। इस पर आधारित अपने विचार आपको लिखने थे। स्वमत पढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि हमेशा जब भी हम स्वमत पढ़ते हैं या लिखते हैं सो आपको इतना ध्यान देना है कि जो मास्टर की का स्वमत है बिल्कुल सेम टू सेम वही शब्द, वही लाइन, वही अक्षर हो, ये जरूरी नहीं है। ये जो स्वमत हम आपको बताते हैं ये एक गाइडलाइन होता है कि आप इस नजरिए से सोच सकते हैं और इस तरीके से सोच के लिख सकते हैं। आप अपने शब्द, अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी आपको लगता है आप यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पर स्वमत लिखना है कम से कम 6 से 7 लाइन। चलिए शुरू करते हैं। जानवर देश की प्राकृतिक संपदा होते हैं, उनके कारण ही जंगलों की शोभा बढ़ती है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें मुक जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम उनकी हत्या करेंगे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। प्रत्येक जीव को इस धरती पर जीवन जीने का अधिकार है। हम किसी के भी अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। यदि हम उसकी हत्या करते हैं तो हम धर्म एवं कानून की नजर में बहुत बड़े अपराधी बन जाते हैं। दूसरों की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस तरीके से स्वमत लिखा है, आप अपने अनुसार यहाँ पर स्वमत लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है नंबर देते समय कि आपको ये स्वमत
फिर 2 अंक तभी मिलेगा जब आपकी एक भी गलती नहीं होगी और आपने 2 मार्क्स के लिए कम से कम 6 से 7 लाइन लिखा होगा विदाउट एनी मिस्टेक, तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने 3 से ज्यादा गलतियां किया है या उससे ज्यादा गलतियां किया है सो आपको यहाँ पर 1.5 या 1 मार्क तक मिल जाता है। अगर आपने 6 लाइन की जगह 3 लाइन या 4 ही लाइन लिखा है तो भी आपको 1.5 मार्क मिलेगा। अगर आपने 6 लाइन विदाउट एनी मिस्टेक लिखा है तो ही आप अपने आप को 2 अंक देंगे, अन्यथा आप यहाँ पर अपने को 1.5 या फिर 1 मार्क ही देंगे। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा है तो आप यहाँ पर खाली अपने आप को 1 ही अंक देंगे। याद रहे 5 से ज्यादा गलती पर 1 ही अंक मिलेगा। सो यहाँ पर अधिकतर आप लोगों को 1.5 तक मिल जाता है। अगर किसी ने एक भी गलती नहीं की है तो ही यहाँ पर उसे 2 अंक मिलेगा। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 8 अंक के लिए, जिसपे आप 8 अंक कैसे पाएंगे मैंने आपको बताया। चलिए अब हम यहाँ से दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पैसेज सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो पैसेज है वो कैसा है। सो ये जो दूसरा पैसेज है वो हमने जूलिया लेसन से लिया है, लेसन नंबर 5 का है। सो यहाँ पर गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां करना है 8 अंक के लिए। जूलिया और गृह स्वामी के बीच की बातचीत है जो यहाँ पर बताए गए हैं। सो जूलिया रुवासी होकर कहती है, रोते स्वर में कहती है, जी हाँ गृह स्वामी, डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बना है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रुबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रुबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की नौकरानी सफाई करने वाली मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। कुछ देर रुककर तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई को रोकते हुए कहती है, जी सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं ना, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं आपने मुझे कुछ नहीं, आगे वो कुछ नहीं कह पाई। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही पलटते उलटते रहते हैं। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृह स्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं दिए हैं, ठीक है घटाओ 27-41 में से, अम बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। गृह स्वामी जैसे आसमान गिरा हो। अच्छा और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखते हैं, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल, देते हुए कहते हैं संभाल लो गिन लो, ठीक है ना? सो ये एक पैसेज है और इसी पैसेज में से आपको प्रश्न पूछे गए हैं और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न था हमारा कि जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर, यह था जूलिया का काम, उत्तर लिखना था यह बहुत कीमती थी, इनके भाग्य में हमेशा नुकसान उठाना बदा है। उपयुक्त गद्यांश में 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हैं। ग्रामर सेक्शन में लिंग परिवर्तन विरुद्धार्थी और आपका दूसरे पैसेज का है स्वमत कि जूलिया की जगह आप होते तो, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं आपको। तो चलिए दूसरा पैसेज का आंसर हम कैसे लिखेंगे मैं आपको वो समझा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये भी 8 अंक के लिए ही पूछा गया है। सो
पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा। प्रश्न, याद रहे जब भी हम कृतियां करते हैं तो कृतियों में कभी भी कृति का आकार चेंज नहीं होना चाहिए। जैसी कृति हमने दिया है क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल वैसी ही कृति आपको उतारनी है, और कृति जब आप उतारेंगे तो पेन से ही इसकी कृति बनाएंगे, पेंसिल का उपयोग नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आंसर। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर, आपने देखे थे कि जूलिया के भाव कैसे थे, तो एक में रोते हुए स्वर थे, दूसरे में कांपते हुए। तो दोनों यहाँ पर आपको लिखना है, जो अगर आपने दोनों बॉक्स सही भरा है सो यहाँ पर एक बॉक्स राइट होने पर आपको हाफ मार्क मिलेगा, और दोनों बॉक्स राइट होने पर आपको पूरे एक अंक मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, यह था जूलिया का काम। जूलिया का काम क्या था? बच्चों को पढ़ाना और बच्चों की देखभाल करना। अगर यही आंसर लिखा है तो ही आपको एक अंक मिलेगा। अगर इसमें से आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, एक आध बॉक्स नहीं भरा है, सो यहाँ पर आपके आधे अंक कट भी जाते हैं। सो याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर पैसेज में ही हैं, वहां पर आपकी स्पेलिंग है, आप बिल्कुल भी वहां से देख के लिखेंगे तो गलत नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। अब यहाँ पर था उत्तर लिखिए, यह बहुत ही कीमती थी। यहाँ पर आप चाहे तो प्रश्न के साथ में उत्तर लिखेंगे या फिर खाली आंसर लिखा तो भी चलेगा। सो भाई बहुत कीमती क्या थी? प्याली थी। दूसरा प्रश्न था, इनके भाग्य में हमेशा नुकसान उठाना बदा था, किसके? ग्रह स्वामी के। यहाँ पर अगर ये दोनों आंसर राइट है तो यहाँ पर आपको वन मार्क मिलेगा। इन केस इन दोनों में से कोई एक आंसर रॉन्ग है तो यहाँ पर आपका हाफ मार्क कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, उपयुक्त गद्यांश में से दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों, टहनी और डायरी। मतलब हमें ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका आंसर टहनी आए और डायरी आए, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल प्रश्न नहीं बनाना है कि जिसमें टहनी और डायरी शब्द आना चाहिए, बल्कि आंसर में ये दोनों आना चाहिए। सो चलिए पहला प्रश्न है, किसकी खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई? टहनी। तो इस तरीके से आपको लिखना है और यही आंसर होना चाहिए। यहाँ पर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए तो ही आपको आधा अंक मिलेगा। दूसरा था डायरी, ग्रह स्वामी हर एक चीज किसमें नोट करता था? सो वो वही डायरी में नोट करता था। यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है, इवन प्रश्नवाचक शब्द भी है, जिससे पता चलता है कि यह प्रश्नवाचक प्रश्न है। सो भाई इस तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे एक अंक मिल जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आधा अंक कटेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया या प्रश्नवाचक शब्द गलत लिखा तो भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, इवन आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा है तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा। अगला है आपका, लिंग परिवर्तन करना है। सो क्वेश्चन विद आंसर, नौकरानी का नौकर, मालकिन का मालिक, ये पढ़ाते समय भी हम आपको बोलते हैं। सो यहाँ पर आपको वन मार्क मिला, यानी कि एक लिखने पे हाफ मार्क और दोनों लिखने पे एक अंक। विरोधार्थी या विलोम शब्द, झूठ का सच, ज्यादा का कम, ये दोनों आधे आधे अंक के लिए है, यहाँ पर आपको एक अंक मिल जाता है। इस तरीके से लिखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे छह अंक मिल जाते हैं। और उसके बाद आता है आपका स्वमत। तो स्वमत था कि अगर आप जूलिया की जगह होते तो आप क्या करते। तो चलिए वापस स्वमत पढ़ने से पहले वही कि ये जो विचार है वो हमारे विचार हैं, ये एक गाइडलाइन है, आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं, आप जो सोचते हैं आप वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो सोच मेरी है वही सोच आपकी हो। सो आप अपने तरीके से इसे जरूर लिखिएगा। तो चलिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जूलिया की पात्रता को जिस प्रकार दर्शाया है उससे यह ज्ञात होता है कि वह एक सीधी साधी और डरपोक महिला है जो अन्याय को भी सहन कर लेती है। अगर उसकी जगह मैं होता तो यह अन्याय कभी भी सहन नहीं करता, क्योंकि अन्याय को सहन करना भी एक प्रकार का अपराध है। अगर मैंने परिश्रम किया है तो उसका उचित पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना मुझे मिलना ही चाहिए।
कार्य को शुरू करने से पहले ही मैं अपने कार्य और वेतन संबंधी सारी चर्चा कर लेता। कार्य की समाप्ति पर अगर मालिक पक्ष वेतन यानी कि पगार देने में आनाकानी करता या झूठे कारण दिखाकर वेतन कम करने का प्रयास करता तो उसके खिलाफ आवाज उठाता। इसके बाद भी मालिक मेरा पूरा पारिश्रमिक नहीं देता तो मैं प्रशासन की मदद लेने में भी हिचकिचाता नहीं, क्योंकि मेरे अधिकार का पैसा है तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, और अपना पूरा मेहनताना लेकर ही रहता। मैं कायर और डरपोक बनकर अत्याचार नहीं सहता। आप यहाँ पर लड़की अगर हैं तो सहती भी लिख सकती हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लिखती हैं। सो यहाँ पर आप जब इस तरीके से लिखेंगे, बहुत अच्छा लिखा है, तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि 6 से 7 लाइन होना चाहिए, विदाउट एनी मिस्टेक होना चाहिए। अगर आपने गलती कर दी है, 3 से ज्यादा गलती कर दी है, सो यहाँ पर आपको 1.5 मिलेगा, और अगर आपने एक लाइन में 3-3 गलतियां किया है तो टोटल आपने 6 लाइन में बहुत ढेर सारी गलती कर दी, सो यहाँ पर आपको 0.5 या 1 मार्क ही मिलेगा। जो आपका स्वमत है बिल्कुल आपको उसे ध्यान में रखना है और वैसा ही विचार करके आपको लिखना चाहिए, तो यहाँ भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद आता है आपका पोयम सेक्शन। तो चलिए यहाँ पर हमने किताबें जो आपकी कविता है पोयम नंबर 4 उसका पैसेज लिया था, तो मैं आपको पहले पैसेज दिखा देती हूँ। ये है हमारी कविता। पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है। कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो यहाँ पर टू स्टंजा दिया है पोयम का, और उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। काफी आसान प्रश्न है, जब आप इसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पूरे पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। अलमारी में बंद किताबों की प्रतिक्रिया क्या थी, किताबों से मनुष्य की संगत तब और अब यानी कि पहले और अब कैसी है, और अंत में मैंने प्रथम यानी कि स्टार्टिंग की 5 पंक्ति का भावार्थ पूछा है, मतलब शुरुआत की जो 5 लाइन है वो आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है, यानी कि भाव व्यक्त करना है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका पहला पैसेज पोयम का है। सो यहाँ पर पहला है आकृति पूर्ण करना। वापस बता रही हूँ, आकृति आप पेन से बनाएंगे, जैसी आकृति है बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। और एक चीज बताऊंगी, जब कभी भी हम लिखते हैं ना तो पहले बॉक्स नहीं बनाया करें, पहले आप अंदर का मटेरियल लिखें फिर बॉक्स बनाएं, क्योंकि कभी बॉक्स छोटा कभी बड़ा बन जाता है, सो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है। सो अलमारी में बंद किताबों की प्रतिक्रिया कैसी थी, सो पोयम में हमने पढ़ा कि भाई जब किताबें अलमारी में बंद थी तो वो बहुत ज्यादा दुखी थी, जिसकी वजह से वो शीशे से बाहर झांक रही है यानी कि बुक शेल्फ जो है वहां से देख रही है, और बड़ी हसरत से तक रही है यानी कि बिना पल के झपकाए देख रही है उम्मीद भरी नजरों से। अगर आपने ये दोनों आंसर राइट लिखा है तो यहाँ पर आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक बॉक्स भी गलत लिखा है तो यहाँ पर आधा अंक आपका कटेगा। दूसरा है किताबों से मनुष्य की संगति तब और अब, पहले शाम किताबों के साथ बीता करता था और अब महीनों तक किताबों से मुलाकात नहीं होती है। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। वापस से बता रही हूँ, अगर एक बॉक्स राइट है एक बॉक्स गलत है तो आधा अंक ही मिलेगा, दोनों राइट होगा तो ही आपको 1 अंक मिलेगा। इस तरीके से आपको ये दोनों कृतियां पूर्ण करनी है कविता की। अब आपको आगे का जो है वो है आपका 5 पंक्ति का भावार्थ। तो 5 पंक्तियां शुरू की थी, शुरू की 5 पंक्ति थी, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, यानी कि यहीं तक हमें समझना है और इसके भाव अपने शब्दों में लिखने हैं। सरल भावार्थ का अर्थ होता है कि आपने क्या समझा, तो आपने जो समझा इस 5 लाइन में वो आप व्यक्त करेंगे।
तो यहाँ पर आप अपने शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 99% ऐसे ही शब्द आपके होंगे क्योंकि ये भाव को मैच कर रहा है। तो चलिए, इसके भाव कुछ ऐसे हैं। किताबें मनुष्य की साथी हैं, किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक यानी कि बहुत ज्यादा प्रयोग के कारण इनमें लोगों की रुचि कम होने लगी। अब स्थिति यह है कि ये किताबें बंद अलमारी के शीशों से झांकती हैं, बड़ी उम्मीद से शीशों के बाहर ताकती हैं कि कोई आए और अलमारी से निकाल कर उन्हें पढ़े। एक समय था जब मनुष्यों की शामें किताबों के संगत में व्यतीत होती थी, और अब स्थिति यह है कि महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात नहीं होती है। सो मैंने इस तरीके से ये 5 लाइन 6 लाइन लिखा है। आप जब अपनी बुक में लिखेंगे तो ये 5 लाइन आराम से 7-8 लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 2 अंक मिल जाते हैं। लेकिन आपने अगर कोई गलती किया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या कोई शब्द आपने नहीं यूज किया है, कोई लाइन आपने मिस कर दिया है भाव में, तो भी आपको यहाँ पर 1.5 मिल जाएंगे। इसकी लेंथ कम से कम 6 लाइन होनी जरूरी है, उससे कम न लिखें। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा अंक भी मिल जाता है, क्योंकि भाव में आपको पूरे अंक मिल जाते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से आपका पेपर चेक करना है आपको। आपने देखा कि यहाँ पर मैंने आपका जो पेपर था वो बताया कि जब मैं लिखेंगे तो कैसे कैसे लिखेंगे। 8-8 अंक का 2 पैसेज था और 4 अंक का 1 कविता का पैसेज, टोटल यहाँ पर 3 पैसेज था, और पैराग्राफ में आपके आंसर भी हैं। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, और इजीली आप यहाँ पर 20 मार्क्स कवर कर सकते हैं। 1 घंटे का समय है, आराम से आपका पेपर हो जाएगा। अगर आपने गलती किया है तो आधा अंक कटेगा और आपको 18.5, 19, 17.5 या फिर 20 out of 20 जो भी मार्क्स होंगे आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से हम अपना पेपर चेक करेंगे यूनिट 1 का। सो थैंक यू।